हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे अननोन डेटाबेस का प्रॉब्लम, जनरली जो आपको फेस करना पड़ता है पीएचडी के प्रोजेक्ट में। तो चलिए ओपन कर लेते हैं अपना जैम सर्वर। जैम सर्वर चालू करने के बाद आपको अपाची और माइस्क्यूएल दोनों ऑन करना पड़ेगा। दोनों मैंने ऑन कर लिया है। चलिए अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र में आपको टाइप करना है लोकल होस्ट और जो भी आपको प्रोजेक्ट का नाम रहेगा। ये मेरा प्रोजेक्ट है, देखिए सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के पास। तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट के पास। ये हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ हमें एक फाइंड होगा डेटाबेस जो .sql के नाम से होगा। सेम नाम से हमें डेटाबेस क्रिएट करना है और इम्पोर्ट करना है PHP मॉड्यूल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसके नाम को। कॉपी करने के बाद हमें जाना है लोकल होस्ट /phpMyAdmin पे। वहाँ लेफ्ट साइड में एक न्यू बटन होगा, उसे क्लिक करके नया डेटाबेस क्रिएट करना है। सेम नाम से बनाना है जो भी आपके SQL फाइल का नाम होगा। तो चलिए यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ जो भी नाम मैंने वहाँ से डाला है। अब इसमें हमें ये इंपोर्ट करना है SQL फाइल को। इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने PC में, सी ड्राइव में, जहाँ भी आपने अपना एग्जाम सर्वर ऑन किया हो। एग्जाम सर्वर में आपको जाना है htdocs में और आपका जो भी प्रोजेक्ट हो उसके अंदर आपको फाइंड हो जाएगा .sql फाइल। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और गो पे क्लिक करते हैं। अब हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है PHP मॉड्यूल पे और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। जी हाँ, देखिए तो मेन इसका रीज़न जो रहता है वो डेटाबेस क्रिएट ना होने के कारण हमें वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर आप भी इसी प्रकार की प्रॉब्लम से सॉल्व अपना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।